नमस्कार दोस्तों, आज हम ईडीएस के रेडी प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ले लेंगे। आपको ईडीएस में बनाए वीडियो रेडी प्रोजेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड लिंक मिलेगा, उससे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यह डाटा डाउनलोड करने के बाद आपको ये फोल्डर मिल जाएगा जादू प्रो। अपने सिस्टम के डी ड्राइव में ही यह प्रोजेक्ट डाटा रहना जरूरी है। मेरे सिस्टम के डी ड्राइव में जादू फोल्डर में यह प्रोजेक्ट उपलब्ध है। यहाँ फुटेज फोल्डर है, यहाँ पे आप यह फुटेज भी बना के यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। और मैं एक दूसरा और आसान तरीका बता देता हूँ प्रोजेक्ट रेंडर करने का। चलो शुरू कर देते हैं। मैं ADS ओपन कर लेता हूँ। फाइल से मैं वह प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। डी ड्राइव में जादू प्रो, ADS स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट, पेरेबिन सिम्बा और ये प्रोजेक्ट फाइल है, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। यह ओपन होते ही आपको तेरेबिन सिम्बा यह एक सीक्वेंस मिल जाएगी। उसके साथ ही आपको बॉय, कपल, गर्ल ये तीन सीक्वेंसेस मिल जाएगी। अब ये तीन सीक्वेंस में का हम फुटेज चेंज करेंगे अपने बॉय गर्ल कपल से और अपने आप ये मेन सीक्वेंस में के फुटेज चेंज हो जाएंगे। तो दिखा देता हूँ, मैं बॉय के टेम्पलेट चेंज कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट बिन विंडो में डबल क्लिक कर देता हूँ। डेस्कटॉप पे मैंने कुछ दूसरे फुटेज रखे हैं, उसे मैं ओपन करके पूरे फुटेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये इंपोर्ट हो गए तो मुझे बॉय सीक्वेंस में के पूरे फुटेज चेंज करने हैं। ये बॉय फुटेज सेलेक्ट कर लेता हूँ और ड्रैग करके टाइमलाइन पे डाल देता हूँ। हमें यहाँ तक फुटेज चाहिए, आउट मार्कर तक फुटेज चाहिए, तो मेरे पास बॉय के फुटेज कम है। इसे मैं कॉपी पेस्ट करके भी रिपीट कर सकता हूँ। ये तीनों फुटेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, या इन सभी फुटेज का स्पीड भी कम करके इसके फुटेज का लेंथ बढ़ा सकता हूँ। मैं इस फुटेज पे राइट बटन क्लिक कर देता हूँ, टाइम इफेक्ट में स्पीड पे क्लिक कर देता हूँ और इसका स्पीड 50% कर देता हूँ, 50% कर देता हूँ। तो ये फुटेज हम बढ़ा के ले सकते हैं। और इस फुटेज का भी हमें स्पीड बढ़ाना है तो इस पे राइट बटन क्लिक करके टाइम इफेक्ट स्पीड 50% 50% और इसे भी हम बढ़ा के ले सकते। इस फुटेज का भी हम टाइम इफेक्ट स्पीड 50% ओके, और इसे भी हम क्लिप को बढ़ा करें। तो मैंने बॉय के फुटेज रिप्लेस किए हैं और नीचे वाले रेफरेंस फुटेज वैसे ही रख दिए हैं, तो ऊपर वाले ही फुटेज हमें दिख जाएंगे। तो मैं मेन तेरे बिन ये मेन सीक्वेंस में जाता हूं तो मुझे बॉय के टेम्पलेट्स बदले हुए नजर आ जाएंगे। देखिए ये बॉय का टेम्पलेट बदल, फिर कपल के बदल देता हूं। मेरे पास कपल के जितने भी फुटेज है उसे मैं ड्रैग करके अपने टाइमलाइन पे लाता हूँ। इसके ऑडियो की जरूरत नहीं है तो इसका ऑडियो सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूँ। तो जितने भी टेम्पलेट्स है उसे कॉपी पेस्ट करके या उसका स्पीड चेंज कर हमें जितने फुटेज चाहिए उतने फुटेज हम बना सकते हैं। देखो मैंने कपल के फुटेज बना दिए है, यहाँ तक मुझे चाहिए। मैं ये दो क्लिप सेलेक्ट करके कीबोर्ड के सी की से इसे कट कर देता हूँ और इन दो क्लिप को डिलीट कर देता हूँ। तो मेरे पास अब कपल के भी फुटेज है, वैसे भी मैं गर्ल के भी फुटेज इंपोर्ट किए वाले फुटेज है उन्हें सेलेक्ट करके अपने टाइम लाइन पे ड्रैग कर देता हूँ। उसे कॉपी पेस्ट करके या उसे कॉपी पेस्ट करके उसका पहले ऑडियो डिलीट कर देता हूँ और उन्हें कॉपी पेस्ट करके हमें जितने फुटेज चाहिए जितने टाइम के फुटेज चाहिए उतने टाइम के फुटेज हम ले सकते हैं। देखिए मैंने गर्ल के भी फुटेज बना दिए। फिर मैं अपने मेन सीक्वेंस में जाता हूँ तो मुझे यहाँ पूरे फुटेज बदल के मिलेंगे।
अब इसे एक्सपोर्ट करना है। मैं एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। प्रिंट टू फाइल या F11 इसका शॉर्टकट है की है, इसे क्लिक कर देता हूँ। और हम अक्सर इन सभी प्रीसेट में से MP4 एक्सपोर्ट करते हैं, इसलिए मैं H.264AVC ये ऑप्शन सेलेक्ट कर देता हूँ और इसमें से H.264AVC इस प्रीसेट पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर देता हूँ। हमें जहाँ MP4 फाइल रखनी है, समझो मुझे डेस्कटॉप पे रखनी है, उसे नाम देना है Song 1 और इसे सेव कर सकते हैं। तो हमारा एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा। कुछ मिनटों में आपको वो प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट होकर MP4 फॉर्मेट में अच्छी से अच्छी क्वालिटी में मिल जाएगा। प्रोजेक्ट डाउनलोड करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल में हाउ टू डाउनलोड यह वीडियो है, इसे एक बार देखकर इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड कीजिए। आसान है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिए, हम आपके कमेंट का जरूर जवाब देंगे। धन्यवाद।